नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज आप लोगों के सामने देख सकते हैं ये दो पैकेट दिखाएंगे और ये दो पैकेट में एक में कीट है और एक में बैटरी है। ये टोटल कॉम्बो कीट है और काफी सारा इंक्वायरी आ रहा था कॉम्बो कीट दिखाइए सस्ता में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए सस्ता में कीट आ गया है। कंपनी की तरफ से काफी प्राइस में ड्रॉप हुआ है, काफी कम किया गया है। तो अब आप लोग इंक्वायरी कर लीजिएगा कॉम्बो किट लिथियम आयन हेलम केस के साथ, बैटरी के साथ आ गया है और प्रीमियम टाइप के किट आ गया है जो काफी सस्ता में है। आप बहुत कम पैसा में एक साइकिल, आपके घर में रखा हुआ साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल बना करके चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये पैकेट को अनबॉक्स नहीं करेंगे, अनबॉक्स किया हुआ है फटाफट दिखाएंगे, कनेक्शन करेंगे और पूरे डिटेल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले किट को दिखाते हैं, उसके बाद बैटरी दिखाएंगे, कनेक्शन करेंगे और चला के दिखाएंगे। और दोस्तों, आप लोगों के लिए पैकिंग बहुत अच्छा से करके दिया जाएगा, कोई भी डैमेज नहीं होगा। और इस किट का खास बात यह है कि इसके मोटर और कंट्रोलर में एक साल की वारंटी मिलेगा, मोटर और कंट्रोलर दोनों में एक साल की वारंटी मिलेगा। और इसके साथ जो बैटरी देंगे उस बैटरी पे दो साल की वारंटी मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले किट को दिखाते हैं। सबसे पहले किट के अंदर जो मोटर है उस मोटर को देखिए। इस तरह से फोम के पैकेट में आपके पास भी जाएगा जिससे मोटर में कोई डैमेज होने की बिल्कुल चांस नहीं रहेगा। तो इसको किनारे रखते हैं और इस मोटर के बिल्ड क्वालिटी आप लोग थोड़ा क्लोज में देख लीजिए। देखिए, इसमें मल्टी स्पीड गियर भी आप लगा सकते हैं। इस साइड में ये स्पेस देख सकते हैं, काफी अच्छा स्पेस है, इसमें मल्टी स्पीड गियर लग जाएगा। शाफ्ट इसका काफी लंबा है और एक साइड में सपाट है, देख सकते हैं एक साइड में सपाट है और एक साइड में आपका इसमें डिस्क ब्रेक जो है माउंट हो जाएगा। और शाफ्ट को शाफ्ट के सेफ्टी के लिए देख सकते हैं दोनों तरफ सेफ्टी कैप लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं वाटरप्रूफ केबल के साथ आता है और इसमें डैमेज होने की, तार डैमेज होने की कोई चांस नहीं रहेगा, ये सेफ्टी कैप आप लगा के रखेंगे। तो दोस्तों, ये है मोटर और मोटर के स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बता दे, देख सकते हैं यहां थोड़ा क्लोज में दिखा दीजिए। यह है प्रीमियम किट के मोटर जिसमें है 36 वोल्ट में और 250 वाट में आएगा। और इसका मैग्नेट का और बाइंडिंग का क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसमें काफी अच्छा माइलेज आप लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ जो बैटरी है 7.8 एम्पियर के और 36 वोल्ट का बैटरी मिलेगा जिसमें आपको 30 से 35 किलोमीटर का माइलेज मिल जाएगा और काफी सस्ता में है। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। मोटर को हटा देते हैं, बाकी आइटम आप लोगों को दिखाते हैं। काफी सारा आइटम है इसमें। देख सकते हैं इसमें एक बैकलाइट भी दिया गया है, काफी अच्छा। रात के समय में जब बैकलाइट जलाया जाएगा ये काफी खूबसूरत लगता है। कनेक्शन का वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो कनेक्शन करके भी इसी वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को। ये भी इस किट के अंदर मिल जाता है। एक सेट थ्रोटल मिल जाता है, देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड के डोमी के साथ है और इसमें देख सकते हैं चाबी ऑन ऑफ के साथ आएगा। और इसमें खास बात, इस डिस्प्ले में खास बात यह है कि इसके अंदर स्पीड भी शो करेगा, बैटरी इंडिकेशन भी करेगा, क्रूज कंट्रोल भी इसमें शो करेगा, क्रूज कंट्रोल इसमें काम करता है। इसके अंदर दो चाबी मिल जाता है। और इस किट के अंदर मिल जाता है एक हैंडल स्विच जिसमें हेडलाइट का स्विच है, हॉर्न का स्विच है, आपको इस किट के अंदर यह भी मिल जाएगा। एक देख सकते हैं वाटरप्रूफ केबल मिल जाता है, इस तरह का वाटरप्रूफ केबल मिल जाएगा। प्रीमियम
प्रीमियम क्वालिटी के दो ब्रेक लीवर मिल जाता है, देख सकते हैं ब्लैक कलर में, काफी खूबसूरत और काफी मजबूती में है। एक हेडलाइट मिल जाएगा इसमें, सिंगल कनेक्टर के साथ है, और इसके अंदर इस साइड में बैक साइड में हॉर्न भी है, एक ही साथ में एक ही कनेक्टर में सारे काम हो जाएगा। इसका कनेक्शन काफी इजी है। एक कंट्रोलर मिल जाता है, देख सकते हैं 36 वोल्ट में है, 15 एम्पियर में है और 250 वाट का ये कंट्रोलर है, और इस तरह की इसका कनेक्टर आता है। सारे कनेक्टर आपको प्रॉपर मिल जाएगा, 36 स्पोक मिल जाएगा इस तरह के ब्लैक कलर में, और काफी अच्छा गेज में मोटाई में है, और एक बार लगा देंगे तो 4-5 साल आराम से निकल जाएगा। ये भी इस किट में मिल जाता है। और एक प्रीमियम टाइप के एक पैडल सेंसर मिल जाता है इसमें, देख सकते हैं एक कंट्रोलर, एक सेट ब्रेक लीवर, एक केबल मिल जाता है वाटरप्रूफ, एक सेट स्पोक मिल जाएगा, एक हैंडल स्विच मिल जाएगा अच्छा क्वालिटी के, एक हेडलाइट है, एक सेट थ्रोटल मिल जाएगा, एक पैडल सेंसर मिल जाएगा, एक बैक लाइट मिल जाएगा इस तरह का रेड कलर में, और एक मोटर मिल जाएगा इस तरह का। तो ये सारे आइटम इस किट के अंदर है। आप अगर सिर्फ किट लेना चाहते हैं तो किट भी मिल जाएगा, अगर आपको कॉम्बो किट लेना है, आपको कहीं से दूसरे जगह से बैटरी नहीं लेना है, चार्जर लेना नहीं है, तो आप हमसे भी ले सकते हैं, ये काफी सस्ता में है। तो ये हो गया आपका किट। अब किट को हटा देते हैं, थोड़ा सा किनारे कर देते हैं, और उसके बाद बैटरी और चार्जर आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है बैटरी का बॉक्स, आपके पास जब जाएगा तो इसी तरह के कॉम्बो किट जब जाता है तो दो पैकेट में जाएगा, दो पैकेट में एक में किट जाएगा, क्योंकि किट के साथ हम बैटरी डैमेज होने के डर से नहीं भेज सकते हैं, अलग अलग पैकेट में भेजेंगे। तो इस तरह के दूसरा आपको पैकेट जाएगा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, और उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को चार्जर दिखा देते हैं। आप देखिए ये अल्टर ब्रांड का ही आपको चार्जर मिलेगा, ये है 36 वोल्ट और 3 एम्पियर के चार्जर है, 3 एम्पियर के चार्जर है, ये फास्ट चार्जर है, और जो बैटरी हम 36 वोल्ट और 7.8 एम्पियर के बैटरी देंगे वो 2 से 2.5 से 3 घंटा के अंदर आपको ये चार्ज कर देगा। तो ये है चार्जर, ये चार्जर इस किट में कॉम्बो किट में मिल जाएगा। ये है दोस्तों बैटरी, देख सकते हैं बैटरी में सारे आइटम आप लोगों को दिया जाएगा। ये हेलम केस में बैटरी है 36 वोल्ट में और 7.8 एम्पियर में। ये बैटरी ये चार्जर और ये सारे किट ये सारे चीज आपको कॉम्बो किट में मिल जाएगा, देख सकते हैं। ये कॉम्बो किट के लिए आप लोग हमसे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसके प्राइस आप लोगों को बता देंगे, व्हाट्सअप करेंगे या फोन करेंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। हमारे सारे आइटम में साइकिल से लेकर के किट को सारे चीज सीओडी भी मिल जाता है, कैश ऑन डिलीवरी हम देते हैं, तो आप लोग कैश ऑन डिलीवरी के लिए थोड़ा अमाउंट ज्यादा पड़ता है, प्रीपेड से कैश ऑन डिलीवरी थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा पड़ता है, आपके घर पहुंचाने का जिम्मेदारी हमारा है और एकदम सुरक्षित पहुंचाएंगे। और कैश ऑन डिलीवरी में आप लेकर के अपना साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल बना लीजिए, तो कैश ऑन डिलीवरी में थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, हल्का सा कुछ अमाउंट आपको पहले एडवांस करना पड़ता है, वो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के बिना हम कोई भी किट आपके घर पे नहीं भेज सकते हैं। सिक्योरिटी आप दे देंगे तो आपका भी एक जिम्मेदारी बना रहेगा कि आप किट को रिसीव करें, और हमारा जो कुरियर खर्च होता है ये कुरियर खर्च हमारा नुकसान होने का चांस नहीं रहता है, इसीलिए आप लोग ये ना समझे कि फुल आपको कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा, कुछ अमाउंट आपको जमा करना ही पड़ेगा और हल्का सा कुछ अमाउंट आपको ज्यादा पड़ता है। तो चलिए दोस्तों,
अब इसको किट को कनेक्शन करते हैं और फटाफट आप लोगों को दिखा देते हैं चला करके। पहले मोटर के कैप को खोलना है, देख सकते हैं ये कैप इस तरह से इजीली खुल जाता है और यहाँ देख सकते हैं ये डाटा। तो डाटा में क्या है कि इसमें एरो दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, और इस साइड में भी एरो दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। एरो को ठीक सामने रख करके आपको इसको अंदर पुश कर देना है, ये इजी चला जाएगा। देख सकते हैं ये लॉक हो गया और इसको कंट्रोलर के अंदर देख सकते हैं प्रॉपर कनेक्शन किया हुआ आएगा, आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये है हॉल सेंसर वाला, ये लगा दिए और मोटर से जो तीन फेस निकलता है ये फेस को आप कनेक्ट कर दीजिए और लॉक कर दीजिए। यहाँ देख सकते हैं ग्रीन के साथ ग्रीन, सारे चीज़ों में लिखा हुआ है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ इसके फेस वायर में लिखा हुआ है मोटर फेस केबल, और ये येलो के साथ येलो लगा दिए। यहाँ भी देख सकते हैं मोटर फेस केबल लिखा हुआ है और ये ब्लू के साथ ब्लू को लगा दिए। ये हो गया मोटर का कनेक्शन। बाकी देख सकते हैं एक इस तरह के कनेक्टर आएगा स्विच के साथ, जो है एक काफ़ी सारे वायर के कनेक्टर आएगा। यहाँ देख सकते हैं 6 वायर का एक कनेक्टर है, तो यहाँ 6 वायर के कनेक्टर देख सकते हैं, यहाँ मेल फीमेल इस तरह मिला करके आपको इसमें कनेक्टर कनेक्ट कर देना है। ये हो गया और एक हेडलाइट का कनेक्टर देख सकते हैं इस तरह के 3 तार वाला। तो एक सेम कलर सेम जो है इसके ऑपोजिट वाला इस पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं फ्रंट लाइट, ये फ्रंट लाइट है, ये फ्रंट लाइट है, तो यहां फ्रंट लाइट लिखा हुआ है, तो इसको कनेक्ट कर देना है। और एक देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है पास, ये पास आप लोगों को दिख रहा होगा, तो पास का मतलब पैडलेसिस, कनेक्ट कर दिए। और एक देख सकते हैं ये बैक लाइट है, तो इस यहां देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है रियर लाइट, मतलब ये बैक लाइट का कनेक्टर है, इसको कनेक्ट कर देना है। और इसमें देख सकते हैं ब्रेक लेवल राइट साइड के ब्रेक लीवर को, इसमें से आपको जिस जो राइट साइड का ब्रेक लीवर है उसको यहाँ राइट साइड में कनेक्ट करना है, और एक लेफ्ट साइड का ब्रेक लीवर लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड में कनेक्ट करना है, तो इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये ऑटो कटअप काम करता है इस पर, इसको हटा दे रहे हैं। और आपको थ्रोटल को कनेक्ट करना है, तो थ्रोटल में देख सकते हैं इस तरह के कनेक्टर आता है, और आपको इसके अंदर भी यहाँ देख सकते हैं सेम कनेक्टर में ब्लैक कलर में आपको यहाँ देख सकते हैं थ्रोटल लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कनेक्ट कर देना है। देखिए दोस्तों ये हो गया थ्रोटल का कनेक्टर भी, तो सारे कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बैटरी को कनेक्ट करना है, बाकी ये दोनों आइटम की इसमें जरूरत नहीं होता है, आप जब इसको लगा ले हैंडल पे लगा ले तो आप इसको कनेक्ट कर ले, ऑटो कटअप इस पे काम करेगा। ये देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है बैटरी केबल प्लस, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां जो रेड कलर का है उसमें कनेक्ट करना है। और एक देख सकते हैं ब्लैक कलर का है, तो इसके अंदर यहां देख सकते हैं ब्लैक कलर में जो केबल निकला है बैटरी केबल माइनस, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको कनेक्ट कर दीजिए। बस ये हो गया है प्रॉपर कनेक्शन। थ्रोटल के चाबी को ऑन करना है, तो चाबी ऑन करते ही देख सकते हैं डिस्प्ले इस तरह से ऑन हो जाता है, और यहां देख सकते हैं ये 41 वोल्ट इसमें शो कर रहा है, जो ये 41 वोल्ट यहां शो कर रहा है, जब इसको चालू करेंगे, जब एक्सेलरेट करेंगे,
तो यहां इस बोल्ट के जगह पे स्पीड शो करेगा। तो ये है स्पीड, और यहां ऊपर में जो है इसका क्रूज कंट्रोल भी दिखाएगा। जब ये देख सकते हैं स्विच, इस स्विच को पुश करेंगे तो बैक और हेडलाइट दोनों जलेगा। यहां देख सकते हैं ये फ्रंट लाइट जल गया और ये बैक लाइट जल गया है। बैक लाइट जब जलेगा रात के समय में काफ़ी खूबसूरत लगेगा आपकी साइकिल। और इसी के साथ साथ इसके चाबी को ऑन रखना पड़ेगा और आप हॉर्न को बजा सकते हैं। तो इसको ऑफ कर देते हैं, एक ही स्विच से आपको सारे ऑन ऑफ हो जाएगा। और इसके स्विच को ऑन रखना पड़ेगा ये सब जलाने के लिए। जब आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये ऑन नहीं होगा, आप पुश करेंगे तभी ऑन नहीं होगा। तो ये मेन स्विच है, मेन चाबी है, इसी से सारे सिस्टम ऑफ ऑन ऑफ होगा और बाकी ये स्विच आपका काम करेगा। और दोस्तों अगर बैटरी का हेल्थ आपको बैटरी में सही चेक करना है तो आपको यहाँ एक स्विच मिल जाता है बीच में, देख सकते हैं, इसको आप पुश करेंगे तो आपके बैटरी का हेल्थ पता चलेगा। तो दोस्तों इसको आप चालू करके दिखाना है तो सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद काफ़ी सारे सिस्टम इसमें ऑन हो जाता है। और इसमें जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। अब जैसे ही इसमें एक्सीलरेट करेंगे, एक्सीलरेट करके लगातार 1 मिनट तक इसको पकड़ के रखेंगे एक ही स्पीड में, जब पकड़ के रखेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, अभी यहाँ देखिए क्रूज कंट्रोल ऑन हो गया है। तो अब आपको एक ही स्पीड में लगातार चलाना है तो आप इसको एक्सीलरेट थ्रोटल छोड़ भी देंगे तो भी क्रूज कंट्रोल ऑन है, चलता रहेगा। अगर इसको ऑफ करना है, क्रूज कंट्रोल को ऑफ करना है, तो आप एक बार इसको पुश करके छोड़ देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और मोटर का जो क्रूज कंट्रोल का सिस्टम है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये है आप लोगों का 41 वोल्ट में, देख सकते हैं स्पीड आ रहा है 39, ठीक है दोस्तों, 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो में एक बार आप लोगों को सारे आइटम दिखा देते हैं। ये सारे आइटम आप लोगों को इस किट के अंदर मिल जाएगा और आप लोगों को दिखा देते हैं आप चार्ज करके, बैटरी को चार्ज करके। तो दोस्तों ये हमारे बोर्ड है और यहाँ इसको, इसे घर का नॉर्मल बोर्ड में ही ये लग जाता है। अब देख सकते हैं जैसे ही लगाया है ऐसे ग्रीन टाइप का सिंबल आ रहा है इसमें, तो देख सकते हैं ये चार्ज कर रहा है, रेड सिंबल दिखा रहा है। जब तक ये चार्ज करेगा तब तक रेड दिखाएगा, जैसे ही चार्ज कंप्लीट हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा ये, ठीक है। ये काफ़ी साइलेंट है, फास्ट चार्जर है, काफ़ी 2 से 2.5 घंटा में ये फुल चार्ज हो जाएगा। और एक बार चार्ज करने में आपको लगभग 30 से 35 किलोमीटर का माइलेज इसमें मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो यही समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।